सर्दी खांसी और जुकाम की समस्या से हैं परेशान तो आप ये वीडियो जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सर्दी के मौसम में बहुत जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता है, आपको एलर्जी हो जाती है या फिर आप इसकी चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं तो आज आप ये मेरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आज मैं आपको एक ऐसा काढ़ा बनाना सिखाऊंगी जिससे कि आपको सर्दी की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस काढ़े को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है पानी। जी हाँ दोस्तों, हमें नॉर्मल वाटर लेना है और इसमें मैं ऐड करूँगी जीरा। जी हाँ दोस्तों, जीरे में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं जो आपके सर्दी खांसी में बहुत फ़ायदा करती हैं। जीरे को हमें पानी में ऐड करना है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप पानी। पानी में मैंने ऐड किया है यहाँ पर 1 चम्मच जीरा। पानी को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारा पानी है 1.5 कप ना रह जाए। देखिए दोस्तों, हमारा जो पानी है 1.5 कप रह चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 7 से 8 तुलसी के पत्ते, जिन्हें मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारी खांसी को ठीक करने के काम आते हैं। इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। दोनों चीज़ों को मैंने पानी में डालकर पका लूँगी। देखिए दोस्तों, हमारा जो पानी है पककर तैयार हो गया है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि हमारा जो पानी है 1 कप ना रह जाए। अब हम इस पानी को 1 ग्लास में छान लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इसको ग्लास में छान लिया है। अदरक, तुलसी और जीरा, तीनों में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं दोस्तों जो हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती हैं और जो हमारे शरीर को खांसी, नज़ला और जुकाम से बचाती हैं। अगर आप इस काढ़े का सेवन सर्दी में करेंगे तो दोस्तों आपको कभी भी खांसी जुकाम की समस्या नहीं होगी। अगर आपको जुकाम बहुत अधिक रहता है तो आप पानी में थोड़ा सा विक्स डालकर उसकी भी भाप ले सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस काढ़े का सेवन करने से आपको बहुत सारे अपने शरीर के रोगों को ख़त्म करने में फ़ायदा होगा। जीरा आपके शरीर को गर्मी देता है और अगर आपको इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा कड़वा लगे तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें 1 से 2 चम्मच शहद भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर रही हूँ। शहद खुद में ही इतना फ़ायदेमंद होता है जिसके आप किसी भी चीज़ से तुलना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप शहद भी पसंद करते हैं तो 1 से 2 चम्मच इसमें शहद ऐड कीजिए। उसके बाद आप इस पानी का सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन कब करना है? इसका सेवन आपको करना है मॉर्निंग में। अगर आप खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो ये बहुत फ़ायदा करता है। आप चाहें तो इसका सेवन दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने से 1 घंटा बाद आपको इसका सेवन करना है, क्योंकि आप कुछ भी खाने के 1 घंटा बाद और इसके पीने के 1 घंटे बाद तक कुछ ना खाएं। तब आप देखेंगे कि इसके कितने अधिक फायदे होते हैं। इसके पीने से आपको कभी भी सर्दी की समस्या नहीं रहेगी। अगर आपको दोस्तों मेरा ये काढ़े का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का अपडेट भी रेगुलर मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेगाज हेल्थ एंड ब्यूटी कॉर्नर। थैंक यू।